मेरी औकात क्या है? टिफी बट तो एक ब्रांड है, विलन लगा ले आप जो भी लगा ले। मैंने बिल्कुल कई चीजें ऐसी उसमें से वो काटी हैं, आपको समझ आ जाएगी, दोबारा खोल के देख लें। मैं नहीं दिखाता भी, जाओ मेरे ऊपर रिट कर दो, मैं नहीं दिखाता हूँ। और मैं दिखाऊंगा मियां साहब, मेरा प्यो भी गला बाहर नहीं चुक सकता। इस वक्त जो है ना, मेरा ज्यादा झुकाव टिफी बट की तरफ है, इसमें कोई शक नहीं है। चोई साहब बड़ा टिफी बट भाईजान 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 कह रहे हो, मुझे मियां साहब आप एक बात बताएं। अब मेरे साथ अभी एक जूम में नहीं फिक्रा बोले ना, जो मेरी बेसिक के जिम्मे है, मैं आपको माइक बंद करूंगा, चलो मियां साहब थैले उतरो। शूटर पकड़े गए हैं और अब तक की मुसद्दका इत्तलात ये बता रही है कि उन्होंने जो है ना अमीर मसब का नाम लिया। क्या सर बट का? तो मैंने पहले कुराने पाक में मैंने कहा मैं लफ देता हूँ। रही गल मसब वगैरह दी, तो उन्होंने पूछ लांगा मेरा, ये उन्होंने रबता नहीं कर रहा, होगा तो मैं उनसे पूछ लूंगा कि भी अगर उन्होंने भी किया तो गलत किया है। अगर कैसर बट का वो शूटर कहते हैं हमें इससे नहीं मिले, हमारा इससे कोई वास्ता नहीं है, टिफी बट साहब जो है ना मेरे कहे बगैर कैसर बट को क्लियर करवा देंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ये मोहम्मद आसिफ। नाज़रीन, कहानी मुकम्मल तौर पे बदल गई है और खौफनाक खबरें सामने आना शुरू हो गई हैं। मेरे साथ एक बार फिर आपके जाने पहचानी शख्सियत शाह चोरी साहब मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि ये तमाम खबरों पर क्या कहते हैं। चोरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चोरी साहब, शूटर ने जो इंकशाफात किए हैं, जो बोला है, जो बयान दिया है, उसमें कितना झूठ है कितना सच है? पता क्या होता है, अभी तक शूटर ने जो बयान दिया है ना, ये वो बयान है जो अफसरान ने अपने मुंह से जो है ना बताया है। अभी जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, मुलजमान को पीछे खड़ा करके आगे उनसे बरामदा चीज़ें सारी सामने नहीं आएंगी, तो इसके ऊपर कोई भी राय देना जो है ना वो एक प्रेडिक्शन ही होगी। तो उसमें जो है ना जाहिर है कि जो अफसरान ने इतने बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जो बयान दिए हैं, इमरान किश्वर साहब ने बयान दिए हैं, जो DIG ऑपरेशन ने दिए हैं, तो उनमें सदाकत होगी ना। शूटर पकड़े गए हैं और अब तक की मुसद्दका इत्तलात ये बता रही हैं कि उन्होंने जो है ना अमीर मसब का नाम लिया, कि हमें जो है ना पीछे से हैंडल वो कर रहा था। तो वो कर रहा था तो गम गुस्से का भी तो एक आलम होता है ना। अब एक खानदान के बंदे मारते जा रहे हैं मरते जा रहे हैं, वो आपके ऊपर FIR दर्ज हो रही हैं, छुट्टियाँ सचियाँ, इनको छोड़ दें। तो वो बच्चे जो है वो जाहिर है कि उनके अंदर भी एक रिवेंज की आग थी, बस उन्होंने कोई नजर नहीं आया तो उन्होंने कर दिया होगा। तो कैसर बट और मीर फतेह, उनका नाम अभी तक सामने नहीं आया, आप क्या समझते हैं उनका हाथ हो सकता या नहीं? कैसर बट का तो मैंने पहले कुराने पाक में मैंने कहा मैं लग देता हूँ। कैसर भाई का आज वो लगा, अभी लगा, थोड़ी देर पहले अपलोड हुआ ना, 8 बजे लगते हैं हमारे प्रोग्राम, तो उसमें कैसर भाई का मैंने ताज़ा बयान ले लिया। उन्होंने मुझे कहा शाहिद भाई की कहते हैं तुम आए देखो कि मैं ताडे के शर्मिंदा नहीं होया, मेरी किसी किस्म की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। रही गल मसब वगैरह दी, तो उन्होंने पूछ लांगा मेरा, ये उन्होंने रबता नहीं कर, रबता होगा तो मैं उनसे पूछ लूंगा कि भी अगर उन्होंने भी किया तो गलत किया है। अभी तक आप क्या समझते हैं इन दोनों का नाम सामने नहीं आया? किन का? कैसर बट और मीर फतेह का? कहीं आपके ज़राए बताते हैं कि शूटर ने नाम लिया? मेरे ज़राए तो बहुत आगे तक है ना, लेकिन मैं वो बातें डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ। आपको पता है मैंने वो बात करनी है जो अफसरान के मिजाज के मुताबिक हो। अब मैं तफ्तीश को ख़राब करने वाले सवाल का जवाब पता तो मुझे कई और बातों का भी, आपको इस चीज़ का अंदाज़ा भी है और आपको ये यकीन भी है कि मेरे पास बड़ी बातें हैं, लेकिन मैंने वो पुलिस के अगेंस्ट नहीं चल रहा होता अपने अदारों का ना, तफ्तीश खराब। कैसर बट मीर फतेह का नाम कहीं पे आपको लगता है? नहीं, मैं मेरी नज़र में नहीं लगता, अभी तक स्टेटमेंट आई हुई नहीं, अगर आई होती तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे चल जाने टिकर। अच्छा चोरी साहब, कभी लगता है कि आप टिफी बट के साथ खड़े हैं, कभी लगता है कि कैसर बट के साथ खड़े हैं, और कभी आपका ज्यादा जोर होता है कि मीर मुसब और मीर फतेह की सुलह हो जाए? बस ये आपकी, ये तो बड़ी अच्छी बात मुझे लगी है, आपने इतना खूबसूरत जवाब सवाल दिया है, यानी सवाल के साथ ही जवाब दे दिया है कि कभी, इसका मतलब मेरा झुकाव किसी एक तरफ नहीं है, ये बात तो फिर तयशुदा होगी ना। तो मेरी नज़र में ये नहीं, एकदम लगता है कि टिफी बट की तरफ ज्यादा झुकाव है, फिर दूसरे लम्हे लगता है कि कैसर बट की तरफ ज्यादा झुकाव है। आपका ज्यादा तल्लक या ज्यादा झुकाव किसके साथ है, टिफी बट के साथ? नहीं, इसमें जो है ना, सच में आपको ये बताता हूँ, इस वक्त जो है ना मेरा ज्यादा झुकाव टिफी बट की तरफ है, इसमें कोई शक नहीं है। और इसमें मैला फाइटी कोई नहीं है कि आप ये कहें कि मैं कोई बाध्यांती कर रहा हूँ, बाध्यांती नहीं कर रहा हूँ। एक बंदे ने मेरी ऑनर किया, लोग नीचे मुझे लिख रहे हैं चोई साहब बड़ा टिफी बट भाईजान 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 कह रहे हो, मुझे मियाँ साहब आप एक बात बताएं। अब मेरे साथ अभी एक जूम में नहीं फिक्रा बोले ना, जो मेरी बेसिक के जिम्मे, मैं आपको माइक बंद करूँगा, चलो मियाँ साहब थैले उतरो। गेस्ट की इज्जत होगी, आपका प्रोफेशन है, आप गेस्ट की इज्जत नहीं करेंगे, गेस्ट आपकी इज्जत नहीं करेगा, वो आपको आपके मिजाज का जवाब नहीं देगा। मैं नहीं, उसका मौकफ आपके प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए, उसको हक हासिल है बोलने का, ये तो नहीं कि आप उसको। और मैं देखे ना, मैं डिग्निटी के ऊपर आपका कर दूं, ऑनर के ऊपर कंप्रोमाइज कर दूं, यार एक बंदा मुझे भाई जी कह रहा है, मेरी औकात क्या है? टिफी बट तो एक ब्रांड है, विलन लगा ले आप जो भी लगा ले, एक बड़ा सौदा है, तो मुझे तो गली में आप भी टिफी बट से डरते? यार डरता नहीं हूँ,
डरने वाली बात, डरता तो मैं सिर्फ अल्लाह ताला की जात से हूँ, लेकिन यह है कि आपको मोहब्बत का प्रेशर तो होता है ना कि यार किसी बंदे के साथ आप इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं तो ये तो नहीं होगा अभी आप यहाँ से उठ कर जाए मैं आपकी फिल्म चला दूँ या तो मैं आपके मुंह के ऊपर आपकी इज्जत ना करूँ। तो फिर डर फिर उस चीज़ का होता है और उस बंदे ने जो है ना जिस तरह बातें की हैं, अब आप देखें उन्होंने स्टेटमेंट बट का आपने इंटरव्यू किया, कुछ लोगों ने कहा कि ये प्लांटेड था, क्या वो प्लांटेड था? और लोग कहते हैं तो कहते रहे, आपको जो लग रहा है आप अपनी आंख से देखें ना, आप अपनी राय कायम करें, वो प्लांटेड था या जो भी था सब कुछ सामने आ गया। हाँ उसमें मैंने कई चीज़ें जो है मैंने कटिंग की हैं, उनमें मैंने बिल्कुल कई चीज़ें ऐसी उसमें से वो काटी हैं, वो आपको समझ आ जाएगी, दोबारा खोल के देख लें। मैं नहीं दिखाता भाई, जाओ मेरे ऊपर रिट कर दो, मैं नहीं दिखाता हूँ। वो मैं दिखाऊंगा मियाँ साहब मेरा प्यो भी गला भार नहीं चुक सकता, एक अब मेरे से कॉन्फिडेंशियल बातें कर रहा है तो बगैरत बन जाऊँ, मंजन चूरन बेचना शुरू कर दूँ। तो वो तीफी भट्ट साहब की ये अदा मुझे पसंद आ गया, ट्रस्ट करने वाला बंदा है। तीफी भट्ट ने ये कहा था कि मुझे पता है शूटर किसने भेजे, किसने मरवाया, किसने लेन देन किया। आप क्या समझते हैं कि तीफी भट्ट की वो बात सच हो गई है या ऐवी अंदाजा था? वो अंदाजा था उनका, और अंदाजा जाहिर है बंदा हमेशा अपने मुखालफिन के लिए ऐसे ही अंदाजा लगाएगा, पॉजिटिव तो कभी भी नहीं कहेगा। तो वो उनका अंदाजा था, उस अंदाजे में देखे ना कैसर भट्ट की तरफ से जो इशारा था वो गलत साबित हो गया ना। लेकिन वो जो है ना वो बड़े देखे इस इंटरव्यू के अंदर जो है ना एक चीज जो है ना मैंने लोगों के आगे प्रेजेंट कर दी है जो कि तीफी भट्ट के अपने मुंह के अल्फाज हैं। उन्होंने ये कहा है कि भाई जी अगर इनका नाम ना आया, ये हैंडलर ना निकले तो मेरे मुंह से फूल गिरते देखना। फिर साथ ही उन्होंने कहा तो भाई जी है ना नाम निकल आया, तो मियाँ साहब आप वो चीज़ नोट नहीं कर रहे कि तीफी भट्ट को मेरे जैसा बंदा जो नमक भी नहीं आटे में, वो ये कह रहा भाई जी मैं तुहाड़े को माफ़ी मंगा, वो आगे अच्छा अच्छा उन्होंने पूरा गुस्से का इजहार किया। तो वो देखें गुस्सा होता भी है कि यार मैं सारी दुनिया छड़ के चवला जा तेनू मुँह लाया, मुझे वो फ़ोन कर लेते हैं, मेरे से वो रबता कर लेते हैं, तो मैं हूँ अपनी पीछे से जो डिग्गी है इसको उठा लूँ तो शरीफ उठा लूँगा, मैं तीफी भट्ट से फोन कर ले। अभी आपकी लचक तीफी भट्ट के साथ है, कैसर भट्ट के साथ है? कैसर भट्ट मेरा छोटा भाई है, बिल्कुल सगा भाई है, लेकिन इस टाइम पे जो है ना तीफी भट्ट ने मुझे मेरे ऊपर ना एहसान कर दिया। क्या एहसान कर दिया? सबसे बड़ी बात कि उन्होंने मेरिट की बात किया। अगर लोग गौर से सुने ना जिनके घर में तीन तीन चार चार हुए होंगे उनको बात समझ आ जाएगी। अब जो तीफी भट्ट कहेगा वही आप आगे लेके चलेंगे? नहीं नहीं ऐसे तो नहीं होता कि वो जो कहेंगे, मेरा अपना दिमाग नहीं हिलाने दिया हुआ। वो बात करने अभी तक देखे जितनी बातें उन्होंने किया ना वो कार ही बड़े जबरदस्त तरीके से रहे हैं। अगर सारी बातें अच्छी होंगी तो जो मैं कर सकूंगा मैं वो करूंगा, मैं तो लड़ाई झगड़े वाला। अभी आप क्या करेंगे? मैं ये करूंगा, सिचुएशन चेंज हो, मैं ये करूंगा। अगर कैसर भट्ट का नाम ना ना आया, अगर कैसर भट्ट का वो शूटर कहते हैं हमें इससे नहीं मिले, हमारा इससे कोई वास्ता नहीं है, तो आप ये देख लीजिएगा तीफी भट्ट साहब जो है ना मेरे कहे बगैर कैसर भट्ट को क्लियर करवा देंगे। वो नजायज जो है अपनी दुकानदारी बड़ी बात कर रहे हैं आप। और भाई बड़ी बात नहीं छोटी बात कर रहा हूँ मैं, तो बड़ा मुंह छोटी बात वाली बात है, मैं कैसे बड़ी बात कर सकता हूँ? मैं अल्लाह का जो दिया हुआ दिमाग है, जो अल्लाह ने हौसला दिया हिम्मत दी है उसके बलबूते। तीफी भट्ट और कैसर भट्ट अब तक आमने सामने रहे हैं और तीफी भट्ट को कैसर भट्ट के इंटरव्यूज बोलने पे बहुत ज्यादा एतराज है, आपके इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा, तो आप कह रहे हैं जी मैं उनको सबसे पहले क्लियर कराऊंगा? मैंने कब कहा मैं क्लियर कराऊंगा? मैंने ये कहा तीफी भट्ट साहब आप बजाते खुद, उन्होंने बात किया कि मैं जुबान से फूल गिरते देखना, तो अब एक बंदा नहीं है तो फूल गिरा के दिखाए ना, वो ये चीज़ें नहीं है। मेरे कोई ऐसा कंट्रोवर्सी वाला कोई जवाब दूँ तो उनकी इज्जत पे वो कंप्रोमाइज मैंने कभी भी नहीं करूँगा। मैं ये कह रहा हूँ एक बंदा ऑनेस्ट है ना, आपने उसकी ऑनेस्टशिप चेक। अभी तीफी भट्ट से आपका कोई रब्ता हुआ है इस सिचुएशन के बाद? मेरा यार कई दफ़ा रब्ता होता है, मैंने किसी से क्या कहते हैं वो क्या कह रहे हैं उन्होंने, वो कह रहे हैं कि यार अब दुआ करेंगे, मैं तो खुद कहते हैं कि इनका नाम ना है। अच्छा। उस बंदे ने कहा है, वो कह रहे हैं कि अभी बदले वाली पोजीशन है या आपको लचक लग रही है? और मियां साहब पता क्या होता है, हर अमल का एक रद्देमल आता है दुनिया में। आप कोई भी काम है ना, ये मैंने पेंसिल पकड़ी है ना तो मैंने जब इसको उठाया तो नतीजा था नहीं है मेरे हाथ में, ये मैंने हाथ को ऐसे किया, तो हर अमल का रद्देमल है, रद्देमल तो हर चीज का आता है। यही वो चीजें हैं जिनके आगे मैं बंद बांधने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या इस चीज का रद्देमल नहीं आना चाहिए। जावेद भट्ट का कत्ल जो है ना बेशक उन्होंने पहला किया है लेकिन ये गलत हो गया उनसे ना। अब ये इस एक चक्कर में जो है ना अगर तीफी भट्ट कैसर भट्ट जो कि उनका भाई है उनका जोरे बाजू है अगर वो बयान दे देते हैं ना, अगर वो कहते हैं कि मैंने कैसर भट्ट के बारे में जो है ना उसका बेटा हमजा जाके जावेद भट्ट साहब को बयान दे देते हैं कि हमारा मुलजम ये नहीं है, तो पूरी दुनिया के अंदर तीफी भट्ट साहब का मोरल यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो फिर जो है ना लोगों की हमदर्दियाँ भी तीफी भट्ट साहब के साथ बढ़ जाएंगी।